असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। काशी का कक्षा 18 सी सर्वनाम स्थान। सी इत्येतत् सर्वनाम स्थान संयम भवति। किमिदं सी इति सी क्या है? जस शशो सी इति सी आदेश। कुंडानी तिष्ठन्ति कुंडानि पश्ये। दधीनी मधुनी त्रपूनी जतूनी। सी जो है ये सर्वनाम स्थान संज्ञक होता है, और ये सी जो है सर्वनाम स्थान संज्ञक जो होता है ये जस शशो सी जो सातवें अध्याय के पहले पाद में 20वां सूत्र है, नपुंसक से उत्तर, जस शस के स्थान में सी आदेश होता है, उसको ग्रहण किया है। तो देखिए कुंडानी यहाँ पर शी हो गया और फिर नुम आगम हो जाता है, नपुंसक चलता है सर्वनाम स्थान के कारण, सर्वनाम स्थान के पर रहते नुम आगम हो जाता है, और फिर दीर्घ हो जाएगा सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो। कुंडानी तिष्ठन्ति कुंडानी पश्ये, ये शस का रूप है, और दधीनी मधुनी त्रिपुणी इन सब उदाहरणों में। हाँ जी बोलिए। ओम गुरुजी, ये सर्वनाम स्थानम भी गुरुजी अनवर्थ संज्ञा है क्या? सर्वनाम स्थानम अनवर्थ संज्ञा? सर्वनाम स्थान महती संज्ञा है, पूर्वाचार्यों की ऐसी लगती है कि पूर्वाचार्यों की संज्ञा है, और अनवर्थता इसमें इस तरह देखी जा सकती है, सर्वम नाम पदम तिष्ठति यत्र इति सर्वनाम स्थानम। जैसे राजा राजानव राजाना राजानम राजानव राज्य, आगे तो पूरा नाम नहीं ठहरता है, राजा राजानव राजाना राजानम राजानव राज्य लोप हो जाता है ना, अल्लोप होना, वह संज्ञा जहां से शुरू होती है सर्वनाम स्थान वर्जित, तो वहां पर तो फिर ये कहना चाहिए कि वहां पर पूरा नाम पद ठहरता नहीं है, पर सु औजस अमोट इन पांच प्रत्ययों में संपूर्ण नाम पद ठहरता है, इसलिए इसको सर्वनाम स्थान कहते हैं। आगे सुड नपुंसकस्य, सुड इति पंच वचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि भवन्ति नपुंसकाद अन्यत्र। नपुंसक से अन्यत्र जो है, नपुंसकाद अन्यत्र सर्वनाम स्थान संज्ञानि भवन्ति, पंच वचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि भवन्ति नपुंसकाद अन्यत्र। नपुंसके न विधि न प्रतिषेधा तेन जसंसे सर्वनाम स्थान संज्ञा पूर्वेण भवत्येव। नपुंसक में न विधि है न प्रतिषेध है, तो जस अंश में सर्वनाम स्थान संज्ञा पूर्व सूत्र से होती ही है। यहाँ पर एक बात समझने की है, ये बात कहनी क्यों पड़ी कि जस अंश में सर्वनाम संज्ञा पूर्व से हो ही जाती है, इसलिए कहनी पड़ी कि अनपुंसक से जो सूत्र है ना, ये कहता है नपुंसक में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है, नहीं होती है तो पूर्व वाला जो सूत्र है ऐसा देख रहे हैं कि पूर्व वाला सूत्र सु औजस अमोट सस होता है ना, तो जस में तो कर देगा पर जस में नहीं कर पाएगा, इस सूत्र ने निषेध कर दिया। देखिए सु औजस अमोट ये प्रत्यय है ना, तो ये वाला जो सूत्र है सुड नपुंसकस्य, ये कहेगा नपुंसक में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती, तो इसका मतलब पहले वाला जो सूत्र है वो केवल केवल मात्र शस में ही कर पाएगा, जस में तो ये निषेध कर देगा। सु औजस अमोट ये पांच प्रत्यय सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं लेकिन नपुंसक में नहीं होती, तो नपुंसक में ऊपर वाले सूत्र से भी नहीं होगी, तो इसको बता रहे हैं कि ये पर्युदास प्रतिषेध है, ये प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है। ये लिख रहे हैं ना नपुंसक के न विधि न प्रतिषेध, इसका मतलब ये है कि ये पर्युदास प्रतिषेध है। तेन जस अंश, इसलिए जस अंश में भी
सर्वनाम स्थान संज्ञा पूर्व सूत्र से हो ही जाएगी, प्रतिषेध नहीं होगा। यदि ये प्रसज्य प्रतिषेद हो, ऐसा मान रहे हैं कि प्रसज्य प्रतिषेद हो, तो नपुंसक मात्र जहाँ पर भी नपुंसक में किसी सूत्र से सर्वनाम स्थान संज्ञा पाए वहाँ सब जगह निषेध कर देगा। लेकिन प्रसज्य प्रतिषेद में भी भाष्यकार ने समाधान दिया है कि ये तीन सूत्र हो जाते हैं, जहाँ भी प्रसज्य प्रतिषेद होगा वाक्य भेद हो जाता है। ये समझ लीजिए, वाक्य भेद का मतलब होता है कि दो वाक्य हो जाएंगे, शुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, नपुंसक की नहीं होती है, क्रिया के साथ नय का अन्वय होता है, जो अ है ना, अनपुंसक इत्यत्र या न शब्दो अस्ति न शब्द श्रूयते तत् क्रियया सह संबंधम उपैति। यदा क्रियया सह संबंधो भवति न इत्येतस्य तदा तद एकम भिन्नम वाक्यम जातम, पुनः अनंतरस्य भवति प्रतिषेधो वा इति परिभाषा अत्र आगमिष्यति। अनपुंसकस्य एतत् वाक्यम् अनन्तरं यदस्ति सुट् सूत्रं तमेव प्रतिषेधति न तु श्री सर्वनाम स्थानम्। तो ऐसा समाधान दिया है, अनपुंसक जो है वो अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेध हुआ, इस न्याय से निकटवर्ती जो सुट् सूत्र है उसका ही प्रतिषेध करेगा, जो व्यवहित है ना श्री सर्वनाम स्थान उसका प्रतिषेध नहीं करेगा। तो इसलिए जो है प्रसज्य प्रतिषेध में भी दोष नहीं है। और एक बात इसमें कही जाती है कि ये अनपुंसक जो कहा है प्रसज्य प्रतिषेध में, आचार्य इस बात को भी ज्ञापित कर रहे हैं कि प्रसज्य प्रतिषेध में भी समास हो जाता है। उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ होगा कि असूर्यम पश्यानि, असूर्यम पश्यानि मुखानि, असूर्यम पश्या राजधारा, और अलवण भोजी ब्राह्मणा, अश्राद्ध भोजी ब्राह्मणा इत्येवम् आदय प्रयोगा सिद्धा भवन्ति, ऐसा कह रहे। तो ये सब बातें इसके साथ जुड़ी हुई आपके सामने रख दी हैं। और आगे सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से जहाँ जहाँ छठे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो, और दीर्घ हो जाता है नकारांतंग की उपधा को, और सातवें अध्याय के पहले पाद में नुम आदि हो जाते हैं, उदिचाम सर्वनाम स्थाने धातो नपुंसकस्य झलच नुम हो जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। मतलब कुंडानी तिष्ठन्ति और कुंडानी, बस दो उदाहरण होते हैं ना, तो कुंडानी तिष्ठन्ति में ऊपर वाले सूत्र से सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होनी चाहिए। सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है लेकिन नपुंसक में नहीं होती, तो ऊपर वाले सूत्र से भी नहीं होनी चाहिए। यूं कहे कि वो सूत्र अनवकाश हो जाएगा, तो अनवकाश तो नहीं होगा, शश में उसको अवकाश मिल जाएगा। हाँ जी, पर्योदास प्रतिषेध जब हम करेंगे तब इस सुट नपुंसकस्य का क्या अर्थ बनेगा और प्रसज्य में क्या अर्थ बनेगा? प्रसज्य में तो सूत्र भेद हो जाता है, तो अर्थ ये बनेगा कि सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, नपुंसकस्य नपुंसक संबंधी जो सुट है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, ये बनेगा नहीं होती, नपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है। नए जो है ना भवती के साथ जाकर जुड़ जाएगा। और पर्युदास में तो अर्थ ये होगा नपुंसक भिन्नस्य सुटः सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति, पुल्लिंग स्त्रीलिंग संबंधिना सुटः सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। नपुंसक माने पुल्लिंग स्त्रीलिंग संबंधिना सुटः सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति, ऐसा अर्थ। प्रसज्य प्रतिषेध में पूछ रहे हैं प्रसज्य प्रतिषेध में क्या योग विभाग होता है। प्रसज्य प्रतिषेध में जो है प्रसज्य प्रतिषेध में सूत्र स्वतः ही दो हो जाते हैं, प्रसज्य प्रतिषेध में दो सूत्र हो जाते हैं, वाक्य भेद बोलते हैं, भिन्न वाक्य हो जाता है। पर्युदास में तो एक वाक्य रहेगा अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, संज्ञा संजी संबंध में षष्ठी विभक्ति भी हो जाती है और प्रथमा भी,
जैसे स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा सूत्र है ना, तो वहां पर बताया है कि शब्दस्य स्वम रूपम संज्ञा, शब्द का जो अपना रूप है वो उसकी संज्ञा होती है, संज्ञा से संजी का बोध होता है, तो वो शब्द का वो जो रूप है सूत्र में निर्दिष्ट जो रूप है वो प्रयोगस्थ जो रूप है उसका ग्राहक हो जाएगा। जैसे अग्नेर ढक कहते हैं ना, तो सूत्र में जो पढ़ा हुआ रूप है वो तो संज्ञा हो जाएगा और जो प्रयोग में स्थित जो रूप है शब्द, प्रयोग में जो हम अग्नि से जब ढक लाएंगे तो वो संजी हो जाएगा। शब्द का अपना रूप, मैं इतने अर्थ में बता रहा हूँ कि संज्ञा संजी संबंध में षष्ठी भी होती है और प्रथमा तो प्रसिद्ध है वृद्धि राधे चदे गुण आदि आदि में, तो हम यूं कहते हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि अनपुंसक संबंधिना सुटः सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। अनपुंसक संबंधिना सुटः, मैं षष्ठी में बदल करके बोल रहा हूँ, अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। और मैं यूं भी कह सकता हूँ अनपुंसक संबंधी या सुट अस्ति तत् सर्वनाम संज्ञम भवति। अनपुंसक संबंधी या सुट वर्तते तत् सर्वनाम स्थान संज्ञम भवति, समानाधिकरण कर दिया है। वृद्धि रादैच आदैचाम वृद्धि संज्ञा भवति, ऐसा भी बोल सकते हैं, आकार ऐकार ओकारः वृद्धि संज्ञिका भवन्ति, ऐसा भी बोल सकते हैं, समानाधिकरण कर दिया है। आ ऐ औ इति एते वर्णा वृद्धि संज्ञिका भवन्ति, वृद्धि संज्ञिकाः भवन्ति, ऐसा कर दिया है। तो आगे जो है सुडिति किम राज्या पश्य अनपुंसकस्य किम सामनी वेमनी, सुडिति किम राज्या पश्य जो उदाहरण है ना, यहाँ पर राज्या पश्य तो राजन शश है, तो इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हुई तो यचिभम सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की वह संज्ञा होती है, वह संज्ञा हो जाएगी, अल्लोपोना से आकार का लोप हो जाएगा। ये दिखा रहे हैं कि सुट इति किम सुट क्यों पढ़ा, तो बोल रहे हैं कि आगे इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, नहीं है तो भय संज्ञा होगी और भय संज्ञा सर्वनाम स्थान को छोड़कर होती है, भय संज्ञा होगी और भय अधिकार में अल्लोपोना सूत्र लग गया। इस तरह से एक दूसरे के साथ कई सारी चीजें संबद्ध हो रही हैं। अर्थ में जो आपको ये देखने की बात है, जब हम पर्युदास करते हैं तो अन्यत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, नपुंसकाद अन्यत्र, या भिन्न का प्रयोग करते हैं, नपुंसक भिन्नस्य सुट सर्वनाम स्थान संज्ञकम भवति, सुट प्रत्यय जातम सर्वनाम स्थान संज्ञकम भवति नपुंसकाद अन्यत्र, या वाक्य ऐसा बोलिए नपुंसक भिन्नस्य सुटः या नपुंसकाद अन्यत्र सुटः सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति, अन्य ऐसा नपुंसकाद अन्यत्र दिखाया भी है, नपुंसकाद अन्यत्र ये ऐसा जो भाषा होती है ये पर्युदास की है, यदि प्रसज्ज करेंगे नपुंसके न भवति ऐसा भाषा आएगी, नपुंसक में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है ये भाषा बनेगी। गुरुजी जब पर्युदास मानेंगे तो कोई समस्या नहीं, जब प्रसज्ज मानेंगे तो उस पक्ष में ये जो परिभाषा ग्रहण करना पड़ता है, तो प्रसज्ज पक्ष में क्या यदि पर्युदास मानेंगे तो ये परिभाषा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई समस्या है ही नहीं। जब प्रसज्ज पक्ष में लेते हैं तो ये परिभाषा की भी जरूरत पड़ती है, अनंतर स्वीदीर भवती प्रतिषेध, ठीक है, उससे परिहार हो जाता है, और असमर्थ समास भी आश्रय करना पड़ता है, मतलब न भवती नपुंसकस्य न जो है उत्तर पद के साथ जुड़ी नहीं रहा है, समर्थ नहीं है, वो समर्थ न होते हुए भी समास हो रहा है, तो कह रहे हैं कि यही तो इसका गुण है कि आचार्य हमको ये बता रहे हैं कि असमर्थ होते हुए भी किसी किसी असमर्थ का भी समास हो जाता है,
यही तो इसमें चमत्कार है कि आचार्य हमने कुछ और भी बता दिया है कि प्रसज्य प्रच्छेद में भी असमर्थ समास में भी असमर्थ होते हुए भी समास हो जाता है, समर्था पद भी होती है क्वचित तू कहीं तो असमर्थ में भी हो जाता है। ये दोनों वाक्य गुरुजी एक जैसे ही लग रहे हैं, मतलब नपुंसकात अन्यत्र और न भवति नपुंसकस्य, ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं बस। एक तो नहीं है उसमें, ऐसा है ना, प्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता पर्युदासा सविज्ञया यत्रोत्र पदेन न। पर्युदास के लिए श्लोक है प्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता, प्रतिषेधे में अ का पूर्वरूप हो रहा है प्रतिषेधे प्रधानता, प्राधान्यम ही विधेर यत्र ही, दो आठ अक्षर पूरा करने के लिए प्राधान्यम ही विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता पर्युदासा से विज्ञेया यत्रोत्र पदेन न, यत्रोत्तर पदेन न। लेकिन जब हम वो बांधते हैं अप्राधान्यम विधेर यत्र, विधि की प्रधानता नहीं होती, अप्राधान्यम ही मत लगाना, आठ अक्षर हो जाते हैं, अप्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता, यहां एको पूर्व नहीं करेंगे, प्रतिषेधे प्रधानता अप्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रसज्या सही विज्ञेया, प्रसज्ञा सही विज्ञेय क्रियया सह यत्र न, क्रियया सह यत्र न, ठीक है, क्रिया के साथ जानने का संबंध होता है, क्रियया सह यत्र न, यत्र नए नए शब्द है ना, आठ अक्षर तो तभी होंगे ना, क्रियया सह यत्र नए। इसको गुरुजी लौकिक उदाहरण से एक बार बता दीजिए। लौकिक उदाहरण तो ये है ना, जैसे अलवण भोजी, इसको यदि परिदास माने तो अलवण खाने वाले का मतलब ये होगा जो कोई लवण न, लवण रहित लवण जैसी कोई चीज खाने वाला, लवण भिन्न लवण जैसी कोई चीज खाने वाला, जैसे लवण भास्कर चूर्ण आदि कोई खा ले, लवण न खाए और लवण भास्कर चूर्ण खा ले कोई, तो अलवण भोजी का ये अर्थ होगा। एक स्वामी जी लवण तो नहीं खाते थे, लवण भास्कर खाते थे तो लोग वो करते थे, बोलो लवण तो खाते नहीं, लवण भास्कर खाते हैं, कई लवण जिसमें पड़ते हैं, तो अलवण भोजी का अर्थ ये होगा कि अलवण खाने वाला। और यदि आप इसको प्रसज्य प्रसिद्ध मानते हो तो अ जो है जाकर भोजी के साथ जुड़ेगा, लवण न खाने वाला ये अर्थ होगा। अब अलवण खाने वाले का मतलब लवण भिन्न कोई दूसरी लवण युक्त भी खा लेगा ना यदि, तो भी अलवण भोजी कहलाएगा, मिली हुई कोई चीज, पर लवण न खाने वाला मिली हुई चीज भी नहीं खानी चाहिए फिर उसको, पूरा एकदम से प्रतिषेध हो जाएगा। नपुंसके न विधि न प्रतिषेधा, ये जो है यहाँ पर ये सूत्र जब नपुंसकाद अन्यत्र करेगा तो नपुंसक में न विधि करेगा न प्रतिषेध, क्योंकि स्त्री पुंस संबंधी सुट का उपादान माना जाएगा, विधि प्रधान है प्रतिषेध। अनपुंसककार तो स्त्री पुंस होता है ना, अनपुंसक स्थिति किम सामनी वेमनी, यहाँ नपुंसकाच से औ को सी आदेश होता है, औ के स्थान में सी होता है, संज्ञा अभाव दीर्घत्व न होती, यहाँ पर संज्ञा के अभाव होने से दीर्घत्व नहीं होता है। न वेति विभाषा, न वा इन दोनों के अर्थ को विभाषा नाम दे रहे हैं, यहाँ अर्थ की संज्ञा है, व्याकरण में तो शब्द संज्ञाएं चलती हैं पर कुछ एक हैं जो अर्थ संज्ञा भी होती हैं, जैसे नवेति विभाषा दर्शन लोपा प्रत्यय श्लोक श्लोलोपा, ये अर्थ की संज्ञाएं होती हैं,
अदर्शनम लोपा भी यहाँ से इति की अनुवृत्ति ले जाते हैं मंडूक प्रति से, और अदर्शनम इति अर्थस्य लोप संज्ञा भवति। ऐसे ही प्रत्यक्ष लुक स्वरूपा। अब इसमें ये समझना है न इति प्रतिषेधा और वा इति विकल्पः, तयो प्रतिषेध विकल्पयो विभाषा इति संज्ञा भवति। प्रतिषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है, तयो हो प्रतिषेध विकल्पयो विभाषा इति संज्ञा भवति। इति करणो अर्थ निर्देशार्थ, इति करण अर्थ निर्देश के लिए है। विभाषा प्रदेशेषु प्रतिषेध विकल्पो उपतिष्ठेते, विभाषा प्रदेश में प्रतिषेध और विकल्प उपस्थित होते हैं, प्रतिषेध और विकल्प उपस्थित होंगे विभाषा प्रतिषेध में दोनों एक साथ। चार प्रकार की विभाषाएं हम देखते हैं ना, एक प्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा, उभयत्र विभाषा, व्यवस्थित विभाषा। तो इस सूत्र के विषय केवल उभयत्र विभाषा होती है, ये लिखा भी है। देखिए उभयत्र विभाषा प्रयोजयंती, यहाँ पर उभयत्र विभाषा प्रथमा का बहुवचन है, प्रयोजयंती उभयत्र विभाषा प्रयोजयंती, कुछ वाक्य पूर्ति के लिए बोलना पड़ेगा उभयत्र विभाषा प्रयोजयंती, वाक्य पूर्ति करो। क्या नाम इनका, करुणेश जी है क्या? हाँ बोलिए, इस वाक्य को पूरा कीजिए, अभी ये पूरा नहीं है वाक्य। उभयत्र विभाषा आचार्य करोगे तो उभयत्र विभाषा में प्रथमा विभक्ति है, वो कैसे संगत होगी? ये उभयत्र विभाषा जो है ना, ये कर्ता में प्रथमा है ना, उभयत्र विभाषा यहाँ कर्ता में प्रथमा है, तो कर्म क्या है? उभयत्र विभाषा इमं सूत्रम प्रयोजयंती, उभयत्र विभाषाओं ने इस सूत्र को बनाने के लिए इसका जो पहली कक्षा वाला वाक्य है वो क्या बनेगा? उभयत्र विभाषा प्रयोजयंती, उभयत्र उभाषाएं प्रयोजक बनी हुई हैं सूत्र को बनाने के लिए। इसका पहला वाक्य समझ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं देवदत्ता गच्छति ग्रामम, ये पहला वाक्य है। यजदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति, ये दूसरा वाक्य है। तो इस तरह से पूछ रहा हूँ मैं, उभयत्र विभाषा प्रयोजयंती का जो पहला वाक्य होगा वो क्या बनेगा? आचार्य इमाम संज्ञाम प्रयुंक्ते, आचार्य इस संज्ञा का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा वाक्य क्या बनेगा? उभयत्र विभाषा इमाम संज्ञाम आचार्यम प्रयोजयंती गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्मकारणा मणिकर्ता शरणौ। तो उसमें तो आती नहीं है शायद प्रयोजयंती। उभयत्र विभाषा इमाम संज्ञाम आचार्यम प्रयोजयंती, इमाम संज्ञाम आचार्यम प्रयोजयंती, ये जो उभयत्र विभाषा हैं वे आचार्यम प्रयोजयंती इमाम संज्ञाम, ये संज्ञा आचार्य को प्रेरित करती हैं ये कि ये संज्ञा बनाओ, ठीक है ना? आचार्य इमाम संज्ञाम प्रयुंक्ते, आचार्य विभाषा संज्ञाम प्रयुंक्ते, आचार्य विभाषा संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, और उभयत्र विभाषा आचार्यम इमाम संज्ञाम प्रयोजयंती या इमाम संज्ञाम आचार्य प्रयुंक्ते, इतना ही रखें, इमाम संज्ञाम ना भी रखें, आचार्य प्रयुंक्ते, उभयत्र विभाषा आचार्यम प्रयोजयंती, उभयत्र विभाषा आचार्य को प्रेरित कर रही हैं, इस संज्ञा को बना दो। तत्र प्रतिषेधेन समीकृते विषय पश्चात विकल्प प्रवर्तते, महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये सूत्र कैसे अपना कार्य करता है वो बता रहे हैं, न पहले पहुंचता है रुवा बाद में, इसमें क्रम से उपस्थिति होती है, पौर्व पर ही रहता है, न का अर्थ पहले जाकर के निषेध कर देता है, जो प्राप्त था ना उसका भी निषेध कर देता है, रोक देता है, जो प्राप्त कार्य था उसको भी मना कर देता है, फिर वा एक तरफ से सब जगह विकल्प कर देता है। कैसे? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपने पास ये प्रत्यय होते हैं ना,
जैसे अपने पास तिप, सिप और मिप, ये तीन प्रत्यय होते हैं, और इधर तस, झी, थस, थ, वस, मस, ऐसे समझिए। अब आपको समझ में आ जाएगा, जैसे तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस है ना, तो तिप सिप मिप जो है ये तीन प्रत्यय तो पित होने के कारण गीत नहीं है और बाकी सारे गीत हैं। तो एक सूत्र है वचिस्वपि यजादि नाम की थी, वो कहता है वच वची धातु, स्वप धातु और यजादि धातुओं को कित के परे रहते संप्रसारण होता है। और उधर एक सूत्र है असयुगा लिट कित, वो कहता है असयुगांत धातु से परे, जैसे यज धातु असयुगांत है या स्वी धातु ले लो, क्योंकि विभाषा स्वे का उदाहरण दे रहे हैं, तो स्वी धातु हम जब लेंगे तो ये असयुगांत है, तो असयुगा लिट कित, असयुगांत धातु से उत्तर अपित लिट कितवत होता है। तो कौन कौन से कितवत होंगे, अपित लिट कितवत होता है, तो तिप सिप मिप को छोड़ दो, बाकी छह प्रत्यय जो हैं वो कितवत हैं। तो वचिस्वपि यजादि नाम, यजादि गण में स्वी धातु आ जाती है, तो वचिस्वपि यजादि नाम किति संप्रसारण भवति, इस नियम से संप्रसारण पाएगा। ये शुरू वाले नहीं, बाद वाले छह प्रत्ययों में संप्रसारण पाएगा, और यहाँ पर नहीं पाएगा तिप सिप मिप में। वचिस्वपि यजादि नाम को यदि सामने रखते हो तो छह प्रत्ययों में संप्रसारण पाता है, तीन प्रत्ययों में नहीं पाता। क्या दिक्कत होती यदि ये सूत्र ना बनाते, नवेति विभाषा आचार्य नहीं बनाते, तो जहाँ प्राप्त है, या तो ये स्थिति बनती कि वहाँ तो नित्य ही होता रहता जहाँ पाता है संप्रसारण, और जहाँ नहीं पाता वहाँ विकल्प हो जाता है। ये सूत्र नहीं बनाते और यूँ कह देते, मतलब जैसे इस सूत्र की रचना नहीं करते, और सामान्य रूप से विभाषा के दो रूप होते हैं ना, विभाषा के दो रूप होते हैं, तो तिप सिप मिप में ये विभाषा स्वे जो सूत्र है वो संप्रसारण कर देता, अप्राप्त विभाषा के रूप में कार्य कर देता, कि वहाँ तो भाई कित में तो वो नित्य करता ही है और अपित में ये दो रूप बना देगा विभाषा स्वे, ठीक है ना, उसमें तो एक ही बनता, फिर तिप सिप मिप को छोड़ करके एक ही बनता रहता, और तिप सिप मिप में दो बनते रहते, तो तिप सिप मिप में तो दो खैर इष्टी हैं पर वो तो सारे छूट जाते ना। तो इसलिए इस सूत्र को बनाया कि ये सूत्र बनाने से क्या होगा, अब कि नए एक बार उपस्थित होकर के जहां संप्रसारण प्राप्त है ना, तस झी आदि आदि न इत्यनेन समीकृते विषये, बराबर कर देता है, सम का ची प्रत्यंत प्रयोग किया है, समीकृते विषय न के द्वारा, विषय जब समीकृत हो गया बराबर हो गया, पश्चात विकल्प प्रवर्तते, फिर एक तरफ से वा सब जगह वो कर देता है, हाँ? सर्वत्र विकल्प कर देता है। तो इस तरह से ये दो दो रूप बन जाते हैं। ये पंक्ति जो लिखी है ना, प्रतिषेधेन समीकृते विषय पश्चात विकल्प प्रवर्तते, इस तरह इसको, इसकी संगति इस तरह से लगानी चाहिए, ठीक है। विभाषा से सुषाव सुषुवतु सुषुव सुषवित सुषुवतु सुषुव सुषाव सुषुविव सुषुविमा, दो रूप विभाषा स्वे से दो रूप बनेंगे, विभाषा प्रदेशा विभाषा स्वे इत्यादि। वो पच धातु का जैसे पेचित और पपक्त बनता है, और वैसे पट का पेठित और पपठ पपठ नहीं बनता है, दूसरा रूप एक ही बनेगा क्योंकि इट होता है, नित्य होता है, पपाठ पेठ तू पेठु पेठित पेठ तू पेठ पपाठ पपठ पेठी व पेठी में, मतलब पेठित इसलिए बनता है कि नित्य ही इट होता है, विकल्पित इट नहीं है ना, पठ का शेठ धातु है, पच धातु तो अनिट है, अनिट है तो भारद्वाज में से इट विकल्प होगा, इट विकल्प होगा तो पेचित और पपक दो रूप बनेंगे। गुरुजी व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं, संदेह लक्षणम ये परिभाषा है, संदेह लक्षण नहीं संदेहाद लक्षणम, तो ये परिभाषा होते हैं गुरु जी, जो बतलाया कि इत करणम
अर्थ निर्देशार्थम, तो बिना ये करण करके भी हम व्याख्यान करके न और वा का अर्थ बता सकते थे, फिर बता सकते थे, आप जैसा कोई बुद्धिमान हो तो बता देते। कारण क्या, किस है तो दुनिया में तो कम बुद्धि वाले भी लोग रहते हैं ना, तो सबको ध्यान में रख करके आचार्य ने सूत्र रचना किए। इत ग्रहण करने से कैसे भी अर्थ आ गया, इत का तो ऐसा स्वभाव, भाष्यकार ने इति शब्द का ऐसा स्वभाव है कि वो शब्द पदार्थक होता है तो अर्थ पदार्थक में बदल देता है, अर्थ पदार्थक जैसे उसको शब्द लोक में ना, लोक में अर्थ का ग्रहण होता है, कोई भी आप बोलिए हाँ तो अर्थ ही लिया जाता है, लेकिन अग्नि रीति ऐसा बोल दें तो अर्थ जो है अग्नि शब्द का अर्थ ना लेकर शब्द लिया जाता है, इति शब्द का स्वभाव ऐसा, तो वो शास्त्र में भी शब्द का ग्रहण होता है तो इति लगा देने से फिर वो अर्थवाचक हो जाएगा। हाँ जी ओम गुरु जी, यहाँ पे नवेति विभाषा, तो फिर ये ऐसा नियम नहीं बनेगा कि विभाषा वो होगी जहाँ पहले निषेध होकर फिर विकल्प प्रवर्तित होगा? नहीं, मैं तो बताया, मैंने तो बताया कि ये उभयत्र विभाषाओं में यही क्रम चालू रहेगा। तो उभयत्र विभाषा कैसे लेंगे फिर? विभाषा ही वो होगी जो पहले निषेध होकर फिर विकल्प हो, उसे विभाषा कहेंगे? नहीं, वो तो पूरा विचार किया है भाष्यकार ने इस पर, तो जो प्राप्त विभाषा है ना वहां तो प्राप्ति है कहीं पहले वाला सूत्र से फिर विकल्प, जैसे कि सूत्र है आपका पहले अध्याय के तीसरे पाद में है, जैसा व्यक्तवाचाम समुच्चारण से आत्मपद कर दिया और विभाषा विप्रलापे सूत्र बनाया, तो वहां प्राप्ति था तो फिर वो सूत्र क्या करेगा, निषेध थोड़ी करेगा, न वहां पर लग भी जाए तो फिर वह विकल्प कर देगा कि विप्रलाप यदि हो तो विकल्प से आत्मपद होता है, विकल्प से आत्मपद होता है। मान लीजिए न का कोई अर्थ नहीं है ना वहां पर, न की कोई बात नहीं है, और जैसे कहीं पर अप्राप्त विभाषा है, जैसे यमोगंधने विभाषोपि यमने, यमोगंधने के बाद विभाषोपि यमने है, तो वहां पर विभाषा अप्राप्त विभाषा है तो वो न क्या करेगा, जब निषेध निषेध कुछ है ही नहीं तो निषेध क्या करेगा, निषेध तो है नहीं, पहले निषेध हो तो प्राप्त विभाषाओं में प्राप्त निषेध करने के लिए तो है, लेकिन दो रूप बनाने हैं तो उससे कुछ होना नहीं ना, एक बार निषेध कर दिया और फिर वा ने विकल्प कर दिया, जो प्राप्त था ना व्यक्तवाचाम समुच्चारण आत्मपद प्राप्त था, न ने निषेध कर दिया, वा ने फिर विकल्प कर दिया, दो ही रूप बनने हैं। विप्रवदन्ते मुहूर्ता, विप्रवदन्ति मुहूर्ता, विप्रवदन्ते वैयाकरण, विप्रवदन्ति वैयाकरण, दो रूप हो गए। तो और एक दूसरा वो वाला उदाहरण मैं बता रहा हूं, विभासोपयमने, उपयमन अर्थ में विकल्प से सिच कितवत होता है, उपायत उपायंस्त, ऐसे दो रूप बनेंगे। तो मेरा तात्पर्य यही है कि ऐसी स्थिति केवल यहीं पर मिलती है, जो उभयत्र विभाषा है वहां पर न और वा इन दोनों की विभाषा संज्ञा करने की आवश्यकता थी, न निषेध करेगा और वा फिर विकल्प करेगा। ओम गुरु जी, ये वा विभाषा और अन्यत्र तीनों का क्या मतलब रहता है? क्या वा विभाषा और अन्यत्र में पढ़ते हैं? हाँ, एक ही अर्थ होता है, पर वो विमले जी बता रहे थे कि मैंने कहीं पढ़ा कि फिर भी सूक्ष्म अर्थ तो अंतर तो है इनमें, मतलब वो ऐसे बता रहे थे कि कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कुछ दिया प्रयोग करके बताया, वो स्वयं भी बता रहे, बोले मैंने पढ़ा था पर अभी मेरे ध्यान में पूरा उसका डिटेल नहीं है कि कहाँ तो अन्यतर श्याम का प्रयोग होता है, मतलब जहाँ जहाँ ऐसे प्रयोग चाहते थे वहाँ आचार्य ने अन्यतर श्याम रखा, जहाँ ऐसा चाहते थे तो विभाषा रखा, जहाँ ऐसा चाहते थे तो वहाँ अन्यतर श्याम, ऐसे वो उदाहरण दे रहे थे कि दो में से कोई एक प्रयोग करना अन्यतर
माने दोनों में से कोई एक प्रयोग साधु तो अन्य तरह श्याम, और वा माने कोई भी दो रूप में से कोई भी प्रयोग कर लो, ऐसा कुछ डिटेल कर रहे थे। पर अभी उस पर विचार करना पड़ेगा पूरे प्रयोगों के ऊपर, और ऐसा देखकर वैसे उभय था विभाषा बहुलम अन्य तरस्याम, एक अर्थ की है। जैसे भाष्यकार ने तो इस सूत्र का भी खंडन कर दिया, वैसे न वेति विभाषा से ये कह रहे हैं कि अपने आप कर लेंगे हम, बुद्धिमानों की दृष्टि से खंडन, ये लोक विदित अर्थ हैं, वैसे कर लेंगे। जो व्यवस्थित विभाषा है गुरुजी, उसमें भी फिर निषेध और विकल्प दोनों, उसकी तो ऐसा है कि व्यवस्था कर लेते हैं कभी कभी किसी विशेष विषय में। जैसे विभाषा ग्रह सूत्र है, तो ग्राह को बनाने के लिए तो नित्य ही णय हो जाता है, विकल्प से णय होता है, विकल्प से णय हर जगह नहीं होता। जलचर को कहने के लिए तो णय होता है, और ज्योति को कहने के लिए अच होता है। व्यवस्था कर लेते हैं प्रयोगों के व्यवहार को देख करके कि किस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग होता है, लोक व्यवहार को देखकर व्यवस्था कर लेते हैं। व्यवस्थित विभाषा भी कार्याणि क्रियन्ते, परिभाषा भी एक बना रखी है, तो वो जो पूरे शास्त्र में कहीं कहीं व्यवस्थित विभाषा बीच बीच में काशिका में मिलेगी आपको। मैं ये कह रहा था कि ये जो सूत्र है, हाँ गुरु, इस सूत्र में न नहीं पढ़ते और सिर्फ वेति विभाषा ऐसा होता तो फिर तो कोई अर्थ ही नहीं था। वा को तो विकल्प अर्थ में प्रसिद्ध है, इसलिए उसको कहने की जरूरत नहीं थी ना। तो अनिष्ट रूप क्या होता है? नहीं नहीं, अनिष्ट क्या बोलो, आवश्यकता नहीं थी, सूत्र बनाना व्यर्थ हो जाता है। यूं कहते आचार्य इतनी भी नहीं जानते थे, कैसा सूत्र बना दिया है? इगिणा संप्रसारणम, इसके दो अर्थ होते हैं इस सूत्र के। इगियो यणा स्थाने भूतो भावी वा तस्य संप्रसारणम इत्येषा संज्ञा भवति यज इष्टम वप उक्तम ग्रह गृहीतम। दो तरह का अर्थ इस सूत्र का बनेगा, भूतो भावी वा, इसी में दो अर्थ छिपे हुए हैं। यण के स्थान में हुआ हुआ जो भूत है मानी हुआ हुआ, भावी मानी होने वाला। यण के स्थान में हुआ हुआ जो इक और होने वाला इक, होने वाला इक वहां लगेगा जहां पर संप्रसारणम है, प्रथमा विभक्ति है जहां विधि सूत्रों में, और हुआ हुआ ये अर्थ वहां लगेगा जहां पर पंचमी षष्ठी सप्तमी है संप्रसारण पद में। जैसे संप्रसारणस है, संप्रसारणाच है, संप्रसारणे है, न संप्रसारण संप्रसारणम, तो ऐसा समझ लीजिए। मतलब केचित उभयथा सूत्र विदम व्याचक्षते वाक्यार्थ संजीवर्णस्य, इन्होंने तो भूतो भावी कह करके ना एक ही अर्थ बता दिया। कुछ लोग भाविनी संज्ञा आश्रय नहीं करते, उनके मत को दिखा रहे हैं। भाविनी संज्ञा मानेंगे ना तो भावी ऐसा मान लिया, यणा स्थान एक भावी, यण के स्थान में वह होता है इक के रूप में जिस हुए हुए की संप्रसारण ये संज्ञा होगी, तो भाविनी संज्ञा मानेंगे तो ऐसे हो जाएगा। पर कुछ लोग दोनों तरह से इस सूत्र की व्याख्या करते हैं, वाक्यार्थ संजी और वर्ण संजी। वाक्यार्थ संजी इग यणा इति यो वाक्यार्थ स्थान्यादेश संबंध लक्षण से संप्रसारण संज्ञो भवति। स्थान्यादेश संबंध लक्षण का मतलब स्थानी और आदेश रूप जो संबंध, ये लक्षण है जिसका, ऐसा शब्द का अर्थ। स्थानीय आदेश रूप जो संबंध है, संबंध होते हैं ना बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो स्थानीय आदेश रूप जो संबंध है वह लक्षण है जिसका, ऐसा वाक्यार्थ संजी है। यण स्थानिक एक वर्णा से संप्रसारण संज्ञो भवति, और दूसरा यण स्थानिक जो एक वर्ण है वह संप्रसारण संज्ञक होता है। तत्र विधौ वाक्यार्थ उपतिष्ठते अनुवादे वर्ण। विधि का मतलब है कि जैसे वसो संप्रसारणम है, सेगा संप्रसारणम है, इन सूत्रों में जहाँ दो तरह की विभक्तियां होती हैं, भाव्यमान विभक्ति एक भूत विभक्ति,
जो भाव्यमान विभक्ति होती है वो प्रथमा होती है और बाकी सारी विभक्तियां भूत विभक्ति होती है। भाव्यमान विभक्ति प्रथमा कही जाती है और ये भूत विभक्ति होती है प्रथमा से अलावा। तो ये यूं कह रहे हैं, विधि में वाक्यार्थ उपस्थित होता है संज्ञा संसारणम पुत्र पत्योस तत्पुरुष अनुवादे वर्णा संसारणाचेति संख्यातानुदेशादी न भवति, संख्या के अनुदेश से यहां नहीं होता अदुहितराम इति। विधि में वाक्यार्थ उपस्थित होता है संज्ञा संसारणम पुत्र पत्योस तत्पुरुषे और अनुवाद में वर्ण उपस्थित होता है संप्रसारणाच्च, संख्यातानुदेशादी न भवति अदुहितराम, ये कर्मकर्ता का प्रयोग है। तो इसमें स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल में कि वाक्यार्थ संजी और वर्ण संजी, वाक्यार्थ संजी यहाँ है यण के स्थान में इक होता है, इतना पूरा एक वाक्य उसमें इन्वर्टेड कोमाज में रख लो, यण के स्थान में इक होता है ये संजी है और संप्रसारण संज्ञा है, संप्रसारण संज्ञा संज्ञा संजी का बोध होता है तो संप्रसारण को हटा दो, यण के स्थान में इक होता है ये पूरा यणा स्थान इक भवती, इसको वहां ले जाकर के रख दो। जैसे हम क्या करते हैं वृद्धि होती है तो वृद्धि की जगह आ आई औ होते हैं ऐसा अर्थ करते हैं, गुण होता है तो गुण की जगह हम अ ए ओ ऐसा अर्थ करते हैं, ठीक है ना। तो स्थानीय आदेश संबंध लक्षणा, स्थानी और आदेश रूप जो संबंध है एक यणा स्थान है एक, ये स्थानीय आदेश संबंध रूप लक्षण है जिसका, स्वरूप है जिसका, लक्षण मानी स्वरूप है जिसका, ऐसा जो वाक्यार्थ है वो संजी उपस्थित होगा। और दूसरा यण के स्थान में एक वर्ण, जहां पर विधि है वहां वाक्यार्थ संजी उपस्थित होता है, जहां अनुवाद है वहां वर्ण संजी उपस्थित होता है। अब इन्होंने आखिरी में संख्यातानुदेशादि ने बहुत ही यहां बताया कि संख्यातानुदेश का मतलब ये होता है कि जैसे यण के स्थान में एक, यण के स्थान में एक देख रहे हैं ना, तो दुह धातु से कर्मकर्ता में मतलब गाय अपने आप दुही गई, इस अर्थ में ये प्रयोग है। दुह धातु से लंग लकार सौकर्याति से विवक्षा में जब कर्ता को हटा दिया जाता है, कर्म को ही कर्ता बना दिया जाता है, जब कोई कार्य बहुत आसानी से होने लगता है तो कर्ता को हटा देते हैं, कर्म को ही कर्ता के स्थान में प्रयोग करते हैं। देवदत्तः गाम अदुग्ध, देवदत्त ने गाय दुही, अरे देवदत्त ने क्या दुही, उसका जब नरम दूध होता है तो फिर कहते हैं गाय तो अपने आप ही दुही गई, तो उस तरह का प्रयोग है। अदुहितराम में दुह धातु से लंग लकार आया और लंग के लय के स्थान में उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में है ना ये इट, उत्तम पुरुष में कैसे आएगा कि नय दु इष्णु नमाम यक चिणो, यक का प्रतिषेध हो गया, यकी प्रतिषिधे शप तस्य दादित्वा लुक, यक का प्रतिषेध हो गया ना, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया होता है तो भाव कर्मणों से सार धातु के यक ये सब सूत्र लग जाते हैं तो आत्मपत्त हो जाता है, पर यक आता है तो न दू स्नु नमाम यक चिणो, यक चिण नहीं होते, यक चिण नहीं होते, फिर इट आएगा और अदुहित स्थिते तिंगश्च तरप हो गया कि मैं तिंग घाधाम अद्रव्य प्रकार से तरप प्रत्यय से आम हो गया। अदुहितराम कोई गाय मान लो अब कवि की भाषा में ऐसे बोलेंगे ना तो गाय कह रही है कि मैं तो अपने आप ही दुही गई, वैसा प्रयोग है। कवि जैसे हर चीज से बुलवा देते हैं ना, वैसा हो गया ये। ओम शांति शांति शांति।